वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी का एग्जिट पोल अगर गलत साबित हो सकता है कांग्रेस के समर्थन वाला, तो ये भाजपा के समर्थन वाला भी गलत साबित हो सकता है। मैं उम्मीद है कि कांग्रेस निश्चित ही सरकार बनाएगी। बाकी जो एग्जिट पोल तो आते रहते हैं, एग्जिट पोल पे हम विश्वास नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही आए एग्जिट पोल ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। खासकर कांग्रेस खेमे में धड़कनें काफ़ी तेज हो गई हैं, क्योंकि 2019 के नतीजों के तर्ज पर ही इस बार 2024 के जो एग्जिट पोल है वो सामने दिख रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर के कुछ कांग्रेसी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो एग्जिट पोल हैं उनसे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। TV9 एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, 29 की 29 सीटें BJP ले जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल पे हम विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मीडिया ही एक मत नहीं है, कोई मीडिया 4 से 5 दिखा रही है, कोई 6 से 7 दिखा रही है, और आप बता रहे हो कि ये 0 दिखा रही है। जब से मोदी जी का 400 पार का नारा आया है, जब से मीडिया 400 पार ही दिखा रही है। अगर मोदी जी 500 पार बोल देते तो मीडिया 500 पार भी दिखाती। तो ये एक बहुत बड़ा समझने वाली बात है कि मीडिया किस तरह गिर चुकी है कि कभी भी कहीं भी वो कांग्रेस की लहर नहीं दिखाती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी नहीं दिखाती है, हर जगह BJP की लहर दिखाती है। हमें विश्वास है जनता पर, हम 4 जून का इंतज़ार करेंगे और जो जनता का फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। 2019 में 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2024 में जो TV9 का एग्जिट पोल दिखा रहा है वो 29 की 29 BJP के पक्ष में दिखा रहा है, तो दोनों कैसे कंपेयर कर रहे हैं? क्या सीट बच पाएगी छिंदवाड़ा की जो एक और जा रही है? पहले तो आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दबाजी होगी ये निर्णय लेना कि सीट बच रही है नहीं बच रही है। और जैसा कि चुनाव में माहौल रहा है कि कम से कम ऐसा BJP के जो मित्रों से हमारी चर्चा होती रहती, वो कहते हैं कि 10 सीटें तो कांग्रेस आराम से जीतेगी MP में। अब रही बात मीडिया की, तो मीडिया के विषय पर तो अब चर्चा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया तो पाकिस्तान में भी सरकार बना देगी, अफगानिस्तान में बना देगी, अमेरिका में भी बना देगी, इंग्लैंड में भी बना देगी, मीडिया का क्या है। हाँ, जनता के हिस्से आप कहेंगे तो जैसा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब ने और सभी लोगों जो मिलकर बैठ के चर्चा की, उसके बाद उन्होंने एक आंकड़ा दिया है 295 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा। और हाँ, 4 तारीख को जो निर्णय आएगा, हम तो कांग्रेसी हैं और गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह के विचारों पर चलते हैं, जनता का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे और हमारा काम संघर्ष करना है, जनता को मुद्दों को उठाकर लगातार बीच में हम जाएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो एग्जिट पोल तो आते रहते हैं, यही एग्जिट पोल अभी MP के चुनाव में आए थे, यही मीडिया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रही थी और यही मीडिया MP में सरकार बना रही थी, अब यही मीडिया 400 पार ला रही है, तो इसको अब क्या पता इस पर क्या होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 4 तारीख को हम आपसे फिर मिलेंगे और मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगे, ऐसा मेरा आपसे कहना है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक बुलाई थी, तो क्या कुछ रहा उसमें, क्या कुछ रहा है? सभी पार्टियाँ अपना जमीन पर अपने सर्वे कराती हैं, सब रिपोर्ट लेती हैं और उसी रिपोर्ट के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जुमलेबाजी नहीं करते कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर उन्होंने 295 सीटें दी हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये चरण हुए उस चरण के बाद, विशेषकर तीसरे चरण के बाद, हमने CSDS के संजय कुमार और सी वोटर के देशमुख जी को लगातार मैं सुनता आ रहा हूँ, वो लगभग यही कह रहे थे कि BJP गठबंधन वो NDA करीब करीब बहुमत के करीब पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों के सर्वे भी उल्टा बता रहे हैं, क्या इन पर जो आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े के परिप्रेक्ष्य में ही तो ये बोल रहे थे कि लगभग 250 के लगभग 240 के लगभग BJP NDA गठबंधन आएगा, और आज वही पलटी मार गए। यानी ये साफ साफ बताता है कि ये PMO से आया हुआ पूरा एडजिक्ट पोल है, पूरे विशेष आप विशेषज्ञों की जो बातें मैंने लगातार सुनी है वो यही कह रही थी कि कांटे की टक्कर है और कोई भी इसमें आगे निकल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई भी इसमें आगे निकल सकता है। उन्होंने जो कोई भी नहीं बता रहा था कि कर्नाटक में 3 से 5 सीटें कांग्रेस की,
जबकि हर एक विशेषज्ञ ये कह रहा था कि वहाँ कांग्रेस की आंधी चल रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की आंधी बताई जा रही है कांग्रेस गठबंधन की, इवन बंगाल में ममता बनर्जी की आंधी बताई जा रही है, तेजस्वी अखिलेश यूपी में 45 सीटें लगभग टक्कर की बताई जा रही हैं। ये स्थिति है और मैं उम्मीद है कि कांग्रेस निश्चित ही सरकार बनाएगी। ये सिर्फ ये मैनिपुलेट करने का जो कुछ सीटें रहती है, टक्कर की सीटें होती है, वो कलेक्ट प्रशासन के जरिए अन्य जरिए इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, यही मेरा कहना है। बाकी चार को परिणाम जो सामने आएगा, ना हम पहली बार जीतेंगे ना पहली बार हारेंगे, जो भी जनता निर्णय देगी वो सिरोधार होगा। चंपल अंचल की चार सीटों की हम बात कर रहे हैं, गुना की सीट हाई प्रोफाइल रही, और भी सीटों पर पार्टी की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो साफ साफ हार रही चार सीटें एक बार फिर कांग्रेस। देखिए मेरा ये मानना है, और मेरा क्या मानना है, एक्चुअल में जो एग्जिट पोल है, यदि एग्जिट पोल ही सब कुछ है तो फिर चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एग्जिट पोल कल जब जैसे ही एग्जिट पोल आया, उसके पहले पूरे देश में माहौल कुछ और था, और कल शाम का एग्जिट पोल आते के साथ ही सब लोगों का ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया केवल एग्जिट पोल से। तो मीडिया जो चतुर्थ स्तंभ है वो जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना काम अभी आज कर रहा है, उसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि जो सिनेरियो है उसको फिक्स किया जा रहा है, और सिनेरियो को हवा को इस तरह से फिक्स किया जा रहा है कि आगे यदि जो बदलाव जो मैनिपुलेशन किया जाए वो मैनिपुलेशन ना लगे बल्कि ये लगे कि नहीं ये तो पहले से संभावित था और ऐसा होने वाला है। पर आज जो आपने अभी बोला कि यहाँ की सीट है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर की सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, भिंड की सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, मुरैना की सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, इसके अलावा सतना की सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है ना। तो इस तरह से यहाँ पर, और जो कमलनाथ जी की जो उनके बेटे की जो सीट है छिंदवाड़ा की, और जो काफ़ी समय से, हाँ तो हाँ वो राजगढ़ की सीट भी और छिंदवाड़ा है, हाँ तो ये सब सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, मेन बात है, जो चुनाव आयोग ने जिस पर जो मैनिपुलेशन किया है, 2.5 करोड़ वोट का जो मैनिपुलेशन हुआ है, और जिसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति करी है, उसके बाद भी उसमें कोई संतोषजनक बात नहीं हुई है, और उसमें ये कह दिया गया है कि ये हमारा बताना हमारा इसमें नहीं है, हम नहीं बता ना बताएं तब भी कोई वाली बात नहीं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग किसी भी चीज़ के लिए ये इस तरह से वो क्यों नहीं है कि नहीं भाई चुनाव आयोग बताएगा नहीं। 2.5 करोड़ वोट का डिफरेंस अपने आप में मायने रखता है, कितनी सीटों को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितनी सीटों पर ये वो कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। कितनी सीटें आएंगी आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में अगर देखें कांग्रेस की, और कितना क्या अंतर रह सकता है? जैसा कि आपने पूछा कि ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के शासनकाल को मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से जनता को देखने का मौका मिला, उसको देखते हुए बदलाव को देखते हुए लगभग 10 से 12 सीटें कांग्रेस ला सकती है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। इसके अलावा आज की जो राजनीति है, जीत का अंतर क्या रहेगा इनमें? जीत का अंतर अगर 10-12 सीटें आप कह रहे हैं कांग्रेस ला रही है मध्य प्रदेश में, तो कितना जीत का अंतर रह सकता है? लाखों में तो नहीं रह सकता, लेकिन 50 से 1 लाख के बीच में ये अंतर जाने वाला है, ऐसा एक अनुमान मेरे गणित में है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि आज की जो राजनीति है, आज के दौर की जो राजनीति है, वो सामंतवाद और पूंजीवाद पर निर्भर हो चुकी है। उसको देखते हुए जनता से यही आज के आने वाले समय में माहौल क्रिएट करने की बात है कि परिवर्तन अगर वास्तव में जनता को चाहिए तो जनता इस राजनीति को अपने हाथ में ले। आज इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोगों को समझ में आ रहा है, सभी राजनीतिक दल एक होकर इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो वंचितों की जो लड़ाई है, आज पिछड़ों की जो लड़ाई है, जो कहीं ना कहीं उनको पीछे करने का जो काम किया गया है, उनकी अगमारी जो की गई है, तो उस अगमारी के संघर्ष की जो लड़ाई है उसमें परिवर्तन लोग चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को पहले से अच्छा बेहतर लाभ होने वाला है। धन्यवाद। ये अभी एग्जिट पोल हैं जिसमें 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही हैं, 4 जून को परिणाम आएंगे, तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल और परिणामों में
अंतर रहेगा? बिल्कुल अंतर रहेगा। और पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जिट पोल जो है फाइनल परिणाम नहीं है, फाइनल मतगणना नहीं है ये। और अपन 2004 से अगर हम बात करें, 2004 में जिस वक्त भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और इस देश के अंदर समय से पहले चुनाव होते हैं, तो कई सारे मीडिया हाउस भाजपा को NDA को जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत देने का बात करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उलट हुआ उस परिणामों का, उन एग्जिट पोलों का। और UPA की सरकार बनती और अगले 10 साल तक UPA की सरकार रहती है। फिर उसके बाद 2019 की हम बात करें तो 2019 के अंदर इतना बड़ा घोटाला बीजेपी की सरकार को, जो 2014 में बीजेपी की सरकार आई उसको बनाए रखने के लिए हुआ, 1,001 करोड़ वोट गिनती में बढ़ा दिए गए। मतलब जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा 1 करोड़ वोट गिन लिए गए। और उसका परिणाम ये रहा कि धांधली से 2019 में भाजपा ने सरकार बना ली। ये पूरा मामला निर्वाचन आयोग में गया, न्यायिक प्रक्रिया का विषय बना, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। और 2024 का चुनाव आ गया। 2024 में हमने पहले चरण से देखा कि किस प्रकार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया गया, और वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ाने का काम किया गया, जबकि बूथों पर जो एजेंट पार्टियों के बैठे रहते हैं उनको जो फार्म फाइनल फार्म उनका जो होता है उस पर जो उनके साइन होते हैं उसके आधार पर एग्जैक्ट परसेंटेज निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद वो एक्चुअल परसेंटेज देने का काम निर्वाचन आयोग ने किया, जिस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए। तो जिस तरीके से ये परिणाम आ रहे हैं, हो सकता है कि भाजपा की सरकार बन जाए इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने परसेंटेज में घपला किया है। और मैं इसके आगे एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से 2023 में आपने मध्य प्रदेश की बात कही कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर जो है 29 के 29 सीटें जो है भाजपा जीतने का एग्जिट पोल में पता चल रहा है कि भाजपा जीत रही है। यही मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव है, जब सारे के सारे चैनल यहाँ पे है ना गैर भाजपा की सरकार बनाने का काम कर रहे थे एग्जिट पोलों में। सिर्फ एक मीडिया हाउस था आज तक जिसने 161 सीटें भाजपा को देने का बताया था कि 161 सीटें भाजपा को मिलने जा रही हैं। बाकी मीडिया हाउसेज ने उसका मजाक बनाने का काम किया था, और वो वास्तव में सच हुआ। और जहाँ पे जो है 101 उतनी सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया, बाकी मीडिया हाउस जो है उनके एग्जिट पोल गलत हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो भाजपा के समर्थन में एग्जिट पोल पूरे देश के संदर्भ में या मध्य प्रदेश की 29 सीटों के संदर्भ में बताए जा रहे हैं, तो 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव का एग्जिट पोल अगर गलत साबित हो सकता है कांग्रेस के समर्थन वाला, तो ये भाजपा के समर्थन वाला भी गलत साबित हो सकता है। जिस तरीके से जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट किया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, किसानी को बचाने के लिए वोट किया है, रोजगार को बचाने के लिए वोट किया है, वो सच साबित होने वाला है। और गैर भाजपा की सरकार इस देश में एक बार फिर बनने जा रही है। कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग पर ना सुनने के आरोप लगाती रही, EVM पर भी आरोप लगाती रही है, तो ऐसे अब 4 जून को परिणाम रहेंगे तो क्या निर्वाचन आयोग से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निर्वाचन आयोग एक संस्था है जिस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, परंतु उनकी चुनाव के दौरान कुछ गतिविधियाँ ऐसी रही हैं जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब ये पार्टी नहीं कह रही है, ऐसा आम जनता कहने लगी है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भरे चुनाव में एक वर्ग के खिलाफ खूब मंच दहाड़ा, खूब गलत बोला, क्या कोई संज्ञान लिया गया? अभी केरल में कुछ केस हुआ था, खूब अखबारों में छपा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया कि वो विज्ञापन हटाई है। बंगाल में कुछ हुआ, मतलब निर्वाचन आयोग तो सो के बैठा है। अब इस निर्वाचन आयोग को हम कैसे मान लें कि जो निर्वाचन आयोग 2-3 दिन पहले सेलेक्ट हो रहा है? पहले आपने पता होगा कि जो अपने पहले थे उन्होंने तो इस्तीफा दिया था, और रातों रात बैठा, किस हिसाब से बैठा, किसने बैठाया, क्या तय किया, क्या पता। अब जो चीज़ें रातों रात सब चीज़ें हो रही हैं, तो अब जनता भी अब ये कहने लगी है कि जनता का भी इस चुनाव के बाद इन संस्थाओं पर विश्वास उठने लगा है कि पता नहीं कौन बैठ रहा है, कौन तय कर रहा है चीज़ें, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी, क्या देश में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। परंतु देखो, कांग्रेस पार्टी तो संघर्ष की पार्टी है, हमारी रगों में तो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल के सिद्धांत दौड़ रहे हैं। हम तो संघर्ष अंग्रेजों के ज़माने से करते हैं और करते रहेंगे, इतने है। और रही बात चुनावों की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आंकड़ा दिया है, और उस आंकड़े में कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विश्वास रखता है, क्योंकि वो आंकड़ा ज़मीन से दिया गया है, वो आंकड़ा किसानों ने वोट करके दिया है, वो आंकड़ा रोजगार, छात्रों ने रोजगार के लिए दिया है। तो 295 के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और उम्मीद है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री
मिलेगा इस देश को, और पुनः इस देश के अंदर रोज़गार की बात होगी, छात्रों की बात होगी, किताब कपड़ा कलम की बात होगी, मकान की बात होगी, नौकरियां निकलेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, और धर्म जाति की जो राजनीति देश के अंदर चल रही है उसको समाप्ति मिलेगी और देश पुनः रोज़गार की ओर जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये थे ग्वालियर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता, जिनने अपनी एग्जिट पोल पर अपनी विभाग राय रखी और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी की खाते में दिखाई जा रही हैं, 4 जून को जो परिणाम आएगा वो ऐसा नहीं होगा, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव होगा और कांग्रेस इस बार देश में अपनी सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।